हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्टडी यूनिवर्स चैनल की तरफ से दी जाती है। दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2019 और यह हमारी 75वीं क्लास है। 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुशील चंद्र को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सही ऑप्शन है सुशील चंद्र। ये पहले CVDT के चेयरमैन थे, इनकी जगह प्रमोद चंद मोदी को CVDT का चेयरमैन बनाया गया है और सुशील चंद्र को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं सुशील चंद्र जिन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किसे सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। यह पुरस्कार इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें, सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दुनिया की पहली आर्टिस्ट रोबोट का नाम क्या है? तो ये रोबोट है AIDA। तो सही ऑप्शन है AIDA, जो दुनिया की पहली आर्टिस्ट रोबोट है या दुनिया की पहली रोबोट है जो लोगों के चित्र बनाएगी और उनसे बात भी करेगी। इसे एडन मिलर ने डिजाइन किया है और यह एक फीमेल रोबोट है। तो आपको याद रखना है, दुनिया की पहली आर्टिस्ट रोबोट एक फीमेल है और इनका नाम है AIDA। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जी ने किया है। तो सही ऑप्शन है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जी ने किया है। हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी TERI द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में वैश्विक मुद्दे और जलवायु संबंधित मुद्दों पर विचार और विमर्श करना है। अब ये सम्मेलन TERI द्वारा किया जा रहा है, तो आपको TERI के बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट होता है। इसकी स्थापना 1974 यानी 1974 में दरबारी सेठ ने की थी। जो अभी टेरी के हेड हैं, उनका नाम है अजय माथुर। तो इतना आपको TERI के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इसका सही ऑप्शन है असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो सही ऑप्शन है असम। अब बात आई है असम की, तो मैप में आपको असम के बारे में बता दें, ये जगह है असम को दर्शाती है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्वानंद सोनोवाल और असम की राजधानी है दिसपुर। तो इतना आपको असम के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाल ही में किस फिल्म को बाफ्टा अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है रोमा। हाल ही में रोमा फिल्म को बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। अब ये बाफ्टा अवार्ड क्या है, तो आपको इसका फुल फॉर्म बता दें, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। इसका पहला अवार्ड 1949 यानी 1949 में दिया गया था। यह इसका 72वां संस्करण है। एक बार फिर आपको बता दें, बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। इसका पहला अवार्ड 1949 में दिया गया था और 2019 में आयोजित इसका यह 72वां संस्करण है, जिसमें बेस्ट फिल्म बनी है रोमा। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है बाफ्टा अवार्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो संध्या अग्रवाल क्रिकेट से संबंधित हैं। तो सही ऑप्शन है क्रिकेट। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कप्तान रह चुकी हैं। तो सही ऑप्शन है संध्या अग्रवाल
क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है? जिसका सही ऑप्शन है चंबल नदी। भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है चंबल। यह मध्य प्रदेश के महू के जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के महू से जानापाऊ पहाड़ी से निकलती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह यमुना नदी में अपना संगम करती है और जो चंबल की सहायक नदी है उनका नाम है बनास, काली सिंध और पार्वती। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, इस पर जो चार डैम बने हैं उनका नाम है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर और माता टीला बांध। ये चार मुख्य बांध चंबल नदी पर बने हैं। तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विदेश मंत्रालय किस देश के सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण कोर्स देगा? तो इसका सही ऑप्शन है नेपाल के सरकारी अधिकारियों को भारतीय विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कोर्स देगा। यह कोर्स वित्त प्रबंधन पर आधारित होगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अब इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है जो अकाउंटेंट प्रबंधन, पेंशन भुगतान सिस्टम और बजट प्रबंधन है, इस पर प्रशिक्षण कोर्स दिया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में 1800 बांग्लादेशी अधिकारियों को भी सिविल सर्वेंट का प्रशिक्षण भारत ने दिया था और अब नेपाल के सरकारी अधिकारियों को वित्त प्रबंधन पर आधारित प्रशिक्षण देगा। अब ये नेपाल को प्रशिक्षण देगा, तो आपको मैप में नेपाल के बारे में बता दें, ये जगह है नेपाल को दर्शाती है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमादित्य ने किस वंश पर विजयी होकर विक्रम संवत की स्थापना की थी? जिसका सही ऑप्शन है शक वंश पर विजयी होकर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की थी। आपको बता दें, 57 ईसा पूर्व शकों को हराकर विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी। तो सही ऑप्शन है शक वंश को हराकर। क्वेश्चन नंबर 11, द सन्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यहाँ इसकी नहीं किसकी है, तो यह पुस्तक सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई है। तो सही ऑप्शन है सरोजनी नायडू। इस पुस्तक के अलावा इन्होंने द गोल्डन ऑसहोल्ड, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन बिंग और द सन्स ऑफ इंडिया ये पुस्तकें लिखी हैं। तो आपको एक बार फिर सरोजनी नायडू द्वारा लिखी पुस्तकों के नाम बता दें। पहली है द गोल्डन थ्रोसोल्ड, सेकेंड है द वर्ल्ड ऑफ टाइम, थर्ड है द ब्रोकन बिंग और फोर्थ यही है द सन्स ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कान के पर्दे की दृश्यात्मक परीक्षण में कौन सा उपकरण उपयोग किया जाएगा जाता है? यहाँ पर किया जाएगा नहीं, यहाँ पर है किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑटोस्कोप। ऑटोस्कोप कान के पर्दे के दृश्यात्मक परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, पेरी स्कोप जो है वह समुद्र के सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने में उपयोग किया जाता है, यानी विशेषकर पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है। जो फोन स्कोप है यह ध्वनि का पुनः उत्पादन करने के लिए किया जाता है और जो ऑप्टोमीटर है इसका उपयोग आंख की शक्ति का परीक्षण करने में किया जाता है और ऑटोस्कोप का उपयोग कान के पर्दे के दृश्यात्मक परीक्षण के लिए किया जाता है। तो इतना आपको इन चारों उपकरणों के बारे में याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।